हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, पिछले 4 ब्लॉग तो आप मेरे देख ही चुके हो, बट अब सोचता हूँ जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की ही है तो ढंग से की जाए, तो इसलिए मैंने लिया है अभी ये DJI ऑस्मो एक्शन कैमरा। सो ये मेरे को अराउंड 21,000 का पड़ा है एंड अंडर वाटर रिकॉर्डिंग करता है, 4K रिकॉर्डिंग 60 FPS पे करता है, HDR 4K रिकॉर्डिंग करता है, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग करता है और डुअल स्क्रीन के साथ मिला है ताकि व्लॉगिंग अच्छे से की जा सके। पहले इसकी अनबॉक्सिंग की एक क्लिप दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि क्वालिटी क्या है इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने की। आगे के व्लॉग्स की क्वालिटी एकदम धांसू होने वाली है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो द प्रोडक्ट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो चलिए इसकी पैकिंग खोलते हैं। सो फ्लिपकार्ट का ये बॉक्स गया है, इसमें कुछ नहीं है। एंड इन दैट बॉक्स वी हैव दिस ब्यूटिफुल बॉक्स ऑफ ऑस्मो एक्शन। DJI ब्रांड का कैमरा है। इसकी कॉस्ट अराउंड मुझे 21,000 पड़ी है। एंड देन डिपेंड करता है आप किस टाइम ले रहे हैं। पीक सीजन के टाइम पर लेंगे तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और इस टाइम ऑफर अच्छा था तो मुझे 21,000 की पड़ी है। और अगर कुछ टाइम बाद अगेन आप चेक करेंगे तो 25 to 26 इसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है। तो बॉक्स में पहले तो हमारे पास ये रहा कैमरा, तो पहले इसको निकालते हैं। सो दिस इज द ड्रैगन। ये हमारे पास कैमरा, कैमरे के अलावा और क्या है इसमें, और दिस सिलिका जेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए, और उसके अलावा अगेन एक बॉक्स मिलता है। इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। ओके, ये लंबा चौड़ा सा भाषण, तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है तो इसका वैसे भी कोई यूज नहीं है। वारंटी कार्ड, इसकी साइट पर जाके वारंटी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे इसका स्टैंड, तो ये इसकी ये साइड जो है स्टिकी है, तो ये यहाँ से स्टिक कर जाता है, किसी टेबल पे लगाना है। और इसके अलावा अगर दूसरा भी होगा शायद इसमें, या ये टेबल के लिए हुआ, और ये अगर किसी को अपने हेलमेट पे लगाना है बाइक राइडिंग के टाइम पर, अगर वीडियो बनानी है उसके लिए। इसके अलावा हमें मिलता है ये डेटा केबल चार्ज करने के लिए, और ये है स्क्रू, ये कैमरा इसमें लगाने के बाद यहाँ से इसको कस दिया जाता है। तो कैमरे के दो पॉइंट्स जो ये हैं ये इधर आएंगे। ओके, अब देखते हैं इसके अलावा अगेन क्या है हमारे पास। सो अगेन एक बॉक्स है, इसमें DJI का लोगो है इस बॉक्स पर। चलो देखते हैं। सो इसमें है हमारी ये बैटरी। सो लिथियम आयन पॉलीमर रिचार्जेबल बैटरी, सो इट वुड बी अराउंड 1300 mAh की बैटरी। तो चलो पहले बैटरी लगाते हैं इसमें और फिर देखते हैं कैमरा की परफॉर्मेंस। तो बैटरी लगाने के लिए पहले हमें इसको यहाँ से ओपन करना होगा, इसको कवर से बाहर निकालना पड़ेगा कैमरे को। इसका यूज़ नहीं है। ओके, ये निकाला। और यहाँ लगेगी हमारी बैटरी। अब बैटरी इसमें से वापस बाहर निकालने के लिए हमें एक बार यहाँ से इसको स्लाइड करना है, एंड देन एक बार यहाँ से इसको स्लाइड बैक करना है, बैटरी अपने आप बाहर आ जाएगी।
और एसडी कार्ड के लिए हमें यहाँ स्लॉट मिला है, यहाँ से हम चार्ज कर सकते हैं बैटरी और एसडी कार्ड यहाँ लगा सकते हैं। और ये QS का बटन है स्क्रीन को चेंज करने के लिए। जब आप खुद की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको इस स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस बटन को प्रेस करने से हो जाएगा। एंड देन ये रिकॉर्ड करने का बटन है, पावर ऑन ऑफ का बटन है। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं इसे। तो कैमरा हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर ये साइन दे रहा है कि इसमें एसडी कार्ड नहीं है। तो चलिए मैं इसमें एसडी कार्ड लगाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस की एक क्लिप ऐड करता हूँ इसमें। तो दोस्तों देखिए, इस कैमरे का सबसे खास फीचर है इसका रॉक स्टडी मोड। तो रॉक स्टडी मोड करने के बाद अगर आप वॉक करते करते रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग में कोई वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होंगे। और अभी पहले आप एक क्लिप देखिए, यहाँ पर इसी कैमरे से है बट रॉक स्टडी मोड को ऑफ कर दीजिए, तो ये क्लिप आपकी। तो आप रॉक स्टडी मोड ऑफ करने के बाद की क्लिप देख चुके हैं। अब जाकर देखिए रॉक स्टडी मोड ऑन करने के बाद क्लिप में कितना सुधार आ रहा है। तो दोनों क्लिप्स आप देख चुके हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट फीचर है ये इस कैमरे का। सो आगे की ब्लॉगिंग बहुत धांसू होने वाली है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल टू सी द फर्दर इम्प्रूवमेंट इन माय ब्लॉगिंग्स। एंड आगे आप देखिए इस कैमरे का यूज़ करके मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। सो देखिए आप उन क्लिप्स को, तब तक के लिए बाय बाय।